किसी ने मुझे मैसेज किया और पूछा, सुबह से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या सर ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई रेलवे में। तो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। जब थोड़ा सा मैंने पता किया तो मुझे ये मिला जो आपके सामने खुला हुआ है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के तहत 10 से 16 का जो एडिशन है उसमें लिखा गया है कि 62,000 के आसपास ग्रुप डी की वैकेंसीज आ रही हैं। ये जो दिखाया गया है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 10 से 16 के बीच का होगा। ये देखिए यहाँ मेंशन है और इसमें कहा गया है कि ग्रुप डी की इस नोटिफिकेशन में ग्रुप डी की इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से ग्रुप डी की 62,000 के आसपास वैकेंसी डिक्लेयर की जाएंगी जिसका फॉर्म आप 10 तारीख से 12 मार्च तक भर सकते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में है। क्यू मैथ्स की .com की साइट पे मुझे मिला, वहाँ पे है। लेकिन क्या ये ऑफिशियल साइट पे है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ऑफिशियल साइट पे ये आ गया नोटिफिकेशन? तो ऑफिशियल साइट पे अभी नहीं मिला। जब मैं ऑफिशियल साइट पे गया तो मुझे नहीं मिला। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जब मैं ऑफिशियल साइट पे आया, ये इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया ग्रुप डी की कोई वैकेंसी या नोटिफिकेशन नहीं आया है। लोको पायलट और असिस्टेंट वाला जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कोई भी यहाँ पे ग्रुप डी के लिए अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए वापस नोटिफिकेशन चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अब यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल रहा है वो 10 तारीख से खुल रहा है। तकरीबन आज 6 तारीख है, 3 या 4 दिन बाद आपका अप्लीकेशन ऑनलाइन खुल जाएगा। तो नोटिफिकेशन होपफुली 8 या 9 तक आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये चीज़ दी है लेकिन साइट पे अभी हम गए हैं वहाँ कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो 10 तारीख से फॉर्म भरने के लिए आएगा, 12 भर सकते हैं। कुछ हम यहाँ नोटिफिकेशन में क्या क्या है मेंशन वो देख लेते हैं। पोस्ट आपके लिए जो यहाँ पे ग्रुप डी की है, वैकेंसीज 62,000 के आसपास हैं। एज लिमिट जो 18 से 31 रखी गई है। एज को लेके अभी लोको पायलट में काफ़ी विवाद हुआ था, 28 रखी गई थी लेकिन यहाँ पे 18 से 31 रखी गई है। पे 18,000 है, 18,000 मंथली है। एडिशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th पास ITI मांगा है, यहाँ पे मेंशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करना होगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। 500 रुपये जनरल के लिए है, 250 रुपये SC ST और वुमेंस के लिए है, PWD के लिए रखा गया है। एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है फ़िलहाल। इतना कुछ यहाँ इस नोटिफिकेशन में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की नोटिफिकेशन में हमें दिख रहा है। तो कितना सच है इस खबर में? एक आध दिन हमें वेट करना होगा, होपफुली 2 या 3 दिन में नोटिफिकेशन साइट पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इस खबर का कोई भी गारंटी लेने वाला नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की ये फ़ोटो है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी मेरे पास नहीं है कि मैं उसको पुख्ता कर सकूं कि हाँ ये खबर सही है। तो इस न्यूज़ के साथ कि 62,000 वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हो रहा है, खबरें हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसा हमको दिख रहा है, क्या ये सच है? 2-3 दिन में पता चल जाएगा। 10 तारीख से 16 तारीख वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एडिशन है उसमें जैसा शो हो रहा है, तो 10 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। होपफुली ये सही हो और वैकेंसीज़ की बहार आपके लिए आए। बस इतना ही कहूँगा और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। फिलहाल खुश हो जाइए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैकेंसीज ग्रुप डी की कोई वैकेंसीज बहुत दिनों से अटकी हुई थी, वो जाहिर सी बात है इस बार आपके लिए ज़रूर आएगी। हमें इंतज़ार करना होगा 2-3 दिन साइट पे आने के, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और साइट पे नोटिफिकेशन आने के लिए। ठीक है, तो 2-3 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, कैसा है, इस खबर कितनी सच है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अगर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन और लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, इससे हमें हिम्मत मिलती है और खुश रहें, मस्त रहें। चलो, टेक केयर।